हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए गोलाबाउट डिपो भर्ती प्रक्रिया 2021 और 22 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जानकारी लेकर आए हैं। और इसमें आपको मैसेंजर, सफाई वाला, मजदूर, फायरमैन, कुक इत्यादि की पोस्ट आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। यदि आप भी 10वीं पास हैं और गोलाबाउट डिपो में सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। और इसमें आपकी उम्र सीमा 18 से लेकर 33 वर्ष के बीच है, तो इस गोलाबाउट डिपो भर्ती प्रक्रिया में आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। महिला पुरुष दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसी पोस्ट है जिन पर महिला भी अप्लाई कर सकती है, और इसके साथ वेतनमान आपको बताया 18,000 से लेके 56,900 रुपये। और इसमें आवेदन फीस सब कुछ फ्री रखा गया है। और आज के इस वीडियो में हम आपको 5 डिपो की भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन दिखाएंगे, यानी कि 5 गोलाबाउट कंपनी या जो डिपो है उनकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर आ गए हैं। और काफ़ी सारी ASCB बटालियन है, और इसके साथ आपको जो है FAD भी मिल रही है, यानी कि कितने FAD से वैकेंसीज मिल रही है वो जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि कोविड के बाद एक सुनहरा मौका है नौकरी लगने का, क्योंकि गोलाबाउट कंपनी यानी कि जो इंडियन आर्मी की जो सिविलियन की जो वैकेंसीज है सभी राज्यों की एक साथ निकाल दी गई है। तो इसके लिए आप फॉर्म जरूर अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। आप देख सकते हो ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, और नोटिफिकेशन यहाँ आप वेबसाइट देख सकते हो, indianarmy.nic.in पे आपको आना है। तो यहाँ देख सकते हो भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी यहाँ आपको बताई गई है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले देंगे गोलाबाउट कंपनी का जो, उसके बाद जो हम आपको नोटिफिकेशन दिखाएंगे। इसके बाद जो नोटिफिकेशन आपका रहेगा वो FAD का रहेगा, यानी कि जो फैक्ट्रीज हैं इंडियन आर्मी की उनकी नोटिफिकेशन आपको दिखाई जाएगी। और इसके बाद जो SC सप्लाई डिपो है, तो यहाँ आपको 14 FAD की भी वैकेंसीज बताई जा रही है। 26 FAD जो राजस्थान में उनकी वैकेंसी बताई जा रही है। 14 FAD असम की है, उसमें भी आपको वैकेंसीज बताई जा रही है। यानी कि काफ़ी सारी वैकेंसीज जो है आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में आप अपना राज्य का नाम जरूर टाइप करें, ताकि हम आपको आपके राज्य की जो नोटिफिकेशन है वो दिखा सके नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद यहाँ आपको बताया गया है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ 2 जुलाई को एक नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है। 2 जुलाई के नोटिफिकेशन में एडवाइजमेंट जो फॉर रिक्रूटमेंट फॉर सिविलियन आपको बताया गया है। CAD यानी कि जो सेंट्रल ऑर्डिनेंस जो डिपो है, या एम्युनिकेशन जो डिपो है, यानी कि सेंट्रल एम्युनिकेशन डिपो, उनसे ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। प्रथम नोटिफिकेशन आपको पुलगांव महाराष्ट्र का जो एम्युनिकेशन डिपो है उससे ये वैकेंसीज मिल रही है। जरूर अप्लाई करें, यहाँ जो अच्छी वैकेंसीज जो है आपको मिल रही है। अभी हम आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं, एडवाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर। और इसके बाद आपको यहाँ बताया गया कि ये वैकेंसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये वैकेंसीज कंप्लीट करवाई जाती है। इस वीडियो में हम आपको फॉर्म भर के दिखाएंगे कि कैसे आपका फॉर्म भरना है, ताकि आपका इसका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट्स हैं उनका एडमिट कार्ड नहीं आता है। बड़ा रीजन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप क्या गलती करते हो फॉर्म में, और हम आपको बताएंगे 55-50 नंबर वालों का भी ये एडमिट कार्ड आ जाएगा। हम जिस प्रकार आपको फॉर्म बताएं उस प्रकार आपको भरना होगा। इसके बाद जो है आपको इसमें वैकेंसी डिटेल्स बताई है। तो सबसे पहले यहाँ वैकेंसी डिटेल्स जानने से पहले हम आपको यहाँ जो इसका फॉर्म दिखा देते हैं CAD, और ये CAD का फॉर्म है। और इसी के साथ हम बात करेंगे, यानी कि काफ़ी सारी वैकेंसीज है, डबल वैकेंसी जो है आपको बताई गई है। सबसे पहले इसमें एज आपको बताई गई है, और इसके बाद जो है आपको इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद आपको फिजिकल बताया गया है। फिजिकल के बाद कौन अप्लाई कर सकता है, और यानी कि 18 पेज का ये नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ आपको बताया है, ये आप देख सकते हो द कमांडिंग सेंट्रल एम्युनिकेशन डिपो पुलगांव पिन जो है आपको ये बताया गया है। यहाँ वैकेंसीज जो है आपको ट्रेड्समैन, फायरमैन, मेट की यहाँ वैकेंसीज, असिस्टेंट व्हीकल मैनेजर और टेलर की वैकेंसीज आपको मिल रही है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर जो है आपको यहाँ देने हैं। इसके बाद जो है पोस्ट अप्लाइड जो है आपको स्वयं को लिखना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, जन्मतिथि, एज ऑन लास्ट डेट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसको आप कितने वर्ष, कितने मंथ, कितने डे के हो गए हैं वो डिटेल्स आपको देनी होगी। यानी कि ये फॉर्म की जो लास्ट डेट है इससे आपकी एज की गणना की जाएगी कि आप कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन के हो गए वो डिटेल्स विभाग को देनी है। इसके बाद जो है आपका यहाँ एड्रेस वगैरह डिटेल्स जो है आपको बताया गया है। और इसके बाद जो है आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ लिख सकते हो, और इसमें फिर आपको बताया है कि आप किस कैटेगरी से हैं, तो कैटेगरी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप 10th पास है तो यहाँ 10th पास है। और इसके बाद किस स्कूल, बोर्ड कौन सा है, तो आपका कौन सा बोर्ड है वो डिटेल्स आपको देनी है। बिहार बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है आपका। और इसके बाद आपने कितने प्राप्त किए हैं, कितने प्रतिशत है वो जानकारी आपको विभाग को देनी होगी, यानी कम्युनिकेशन डिपो को ये जानकारी आपको देनी होगी कि आपकी कितने प्रतिशत है। और इसके बाद जो है एक्स सर्विसमैन के लिए है, आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो है अप्लाइड PS जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये कैटेगरी बनाई गई है। सर्विसमैन संबंधित एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में यदि आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उसका नोटिफिकेशन या जो नंबर है वो आपको यहाँ लिखना होगा। इसके बाद यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप डिटेल्स दे सकते हैं। और इसके बाद ये छोटा सा फॉर्म जो है आपका भर गया है। और इसके बाद यहाँ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो सिग्नेचर कर देने हैं। और इसके बाद जो है आपको यहाँ डेट वगैरह लिख देनी है, डेट और प्लेस आप ध्यान रखना, ये डिटेल्स जो आपको देनी है। और इसके बाद जो है फॉर्म फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ओनली, ये रिकॉर्ड होगा ऑफिस का। इसके बाद जो है इसमें आपको बताया कि फिल
कॉलम जो 1, 2, 3, 4 और 8 जो है कैंडिडेट्स को फिलअप करना होगा। तो इसमें सबसे पहले इसमें यह बताया कि नेम आपको अपना नाम लिख देना है, जन्मतिथि लिख देनी है, फादर्स नेम, एड्रेस जो है आपको बताया गया है वो एड्रेस। और इसके बाद जो है आपको यहाँ 4 पॉइंट आपको भरने हैं, यहाँ तक देख सकते हो आपको भरना है, यानी कि फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वहाँ तक आपको ये कंप्लीट भरना है। विभाग आपका ये जो है ना फॉर्म रिजेक्ट करने का बड़ा रीज़न होता है कि आप ये खाली छोड़ देते हो, विभाग ने कहा है कि फिलअप आपको करना है। और इसके बाद जो है ये हम आपको जानकारी देंगे कि आपका जो 5 नंबर पे जो पॉइंट है ये विभाग लिखेगा कि आपका एप्लीकेशन सबमिट किया है या नहीं किया है, क्या रीज़न है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपने सारे अटैच नहीं किए, या फॉर्म फॉर्म में कुछ गलती की है, या कोई आपका फॉर्म जो लास्ट डेट तक नहीं पहुँच पाया है। और इसके बाद जो है आपको यहाँ जो है टिक मार्क कर देना है अपनी कैटेगरी पे, ये भी आपको लिख देना है। तो फ्रेंड्स ये डिटेल जो है आपको विभाग को देनी होगी, फॉर्म आपका कंप्लीट भरा जाएगा और आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी 100% आ जाएगा। इसके बाद कोई भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कोई भी भारत का नागरिक। और ओबीसी को यहाँ 3 साल की छूट है 18 से लेकर 25, तो आप 28 कर सकते हो, और जो कर सकते हो यहाँ SC ST की 30 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको बताया गया है इसमें भारत का कोई भी नागरिक फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और इसमें आपको कितनी कितनी पोस्ट मिल रही है, फायरमैन की कितनी पोस्ट मिल रही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो यहाँ आप देख सकते हो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की LDC की आपको 8 वैकेंसीज मिल रही है, फायरमैन की 3 वैकेंसीज मिल रही है, ट्रेड्समैन की 8 वैकेंसीज मिल रही है, और इसके साथ व्हीकल मैनेज की यहाँ आपको 1 वैकेंसीज मिल रही है, टेलर की आपको 1 वैकेंसीज मिल रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपकी रखी गई है वो आप यहाँ देख सकते हो, यानी कि 10+2 रखी गई है LDC की। और इसके साथ आपको वैकेंसी जो मिल रही है फायरमैन की, तो फायरमैन के लिए आप यहाँ देख सकते हो आपको फायरमैन के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट आपकी रखी गई है, और इसमें यहाँ देख सकते हो किसी प्रकार के डिप्लोमे की आवश्यकता नहीं है, फायरमैन का डिप्लोमे की आवश्यकता नहीं है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ देख सकते हो फिजिकल जो है आपको बताया गया है कि महिलाओं के लिए क्या फिजिकल है, पुरुषों के लिए क्या फिजिकल है, या ट्रेड्समैन मेट के लिए रनिंग होगी आपकी 1.5 किलोमीटर की रेस 6 मिनट में आपको कंप्लीट कर देनी है, और आपको 50 kg का एक जो है वजन उठाना है और 200 मीटर 100 सेकंड में लेकर जाना होगा। इसके बाद ये आपका फिजिकल इसमें होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेज के साथ, तब तक जय हिंद।